विशेष कार्यक्रम डाक्तर सुरक्षा कवच को स्वागत करय। वर्तमान राज्य में तृतीय लहर जदिव आसनी किंतु द्वितीय लहर जारी रही। या भितर विशेषज्ञ मैंने मत पोषण कर सेप्टेम्बर में तृतीय लहर आसो जो तृतीय लहर आसो ता अक्टोबर में पिक नेब आते अधिक शिशु मैंने प्रभावित हे कारण खासकर जदि देखा जाए 18 वर्ष ऊर्ध वयस्क व्यक्ति मैंने वर्तमान सुधा टीकाकरण कर सारी जो मैंने बाकी रही जाती से बयस हो 18 वर्ष रु कम से कहु शिशु मान क्षेत्र में थर्ड लहर अधिक प्रभाव पकड़ ए राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत आरंभ करनेक समय कही तेज गुरुत्वपूर्ण कथा हो पा क्षेत्र को लेकिन बर्तमान जो माँ मैंने गर्भवती मैंने रही से मेमी सुरक्षित रखने केमती सचेतन हे ए बाबद आज आलोचना करम सहित डक्टर अस्मिता देवता जोड़ी हे कि प्रथम बर्तमान जवा नजर पकड़ा जे खास करी जो माने रही दिल्ली ओडिया समाज वासी रही टेलीमेडिसिन द्वारा केमती उपकृत होती आसतु तक प्रतिक्रिया उपरे नजर पकड़ा। सोशल मीडिया रे जेतेबेले मोर कोविड पॉजिटिव रो पोस्टिंग कली ओडिया समाज ताकु देखिला एवं देखिकी मते कांटेक्ट करले। कांटेक्ट कर सारा परे तापरे तांकर डॉक्टर माने कथा हले तीन चार जन डॉक्टर प्रत्येक दिन फोन करथले एवं कोन कोन अच्छी घटना बुझुथले एवं मते मेडिसिन एडवाइस करथले आजर डाएट आउ जन फोन करते कौन कौन खाइबे कौन ना आउ गर्गलिंग इत्यादि जिनस सब गुड़ाक नियम देखते जहाद्वर कि मत गोटे इन्स्पिरेसन मिलला कि जहाँ भी ओडिया समाज अच्छी कोविड समय समस्त साहय कर निश्चित भाव में मत एक साहस आनी जो समय रोग मैंने व्यापी अवश्य मत माइल्ड होता कि अवश्य मुझे घरे रोली गोटे जगार आइसोलेशन से जगह को रहा फल से समय न्यूज गुड़ाए सब आसते कौ जगार केड़े कौट कौन बढ़े कि मत गोटे इन्स्पिरेसन मिलला और मतलब गोटे बुस्टिंग मिलला कि साय जे ना कि लोक अच्छे जो मैंने आमको भी साय कर आगामी दिन में ठीक अच्छे सारा विश्व को जोबले कोरोना महामारी ग्रास कर समय ऑक्सीजन भी बहुत सॉर्ट होता डाक्तर परामर्श नाप भी बहुत सॉर्ट होता से समय भितर धन्यवाद मुझे अंतर सह दूँ ओडिया समाज को जी कि आगे आसते लोक मान सेवा करने सप्ताह दु तीन थर भी फोन कर बुझी कौन मेडिसिन खाइब कौन ना कौट मिल कौन ह्वाट्सअप भी पठाती आई मुझे अंतर आउ थे धन्यवाद दूँ ओडिया समाज को आउ विशेषकर चंद्र भाई भी यहाँ आमको देते नंबर ओडिया समाज चंद्र भाई की भी बहुत बहुत धन्यवाद दौर कटक चिकित्सा होती चिकित्सा हालापर घर को आसी रही होम आइसोलेसन से समय भितर ओडिया समाज आमको बहुत प्रकार साय करते फोन में बुझाते कौन मेडिसिन खाइब कौन ना ह्वाट्सअप भी पठाऊ तापर खाई सारापर कौन तार प्रतिकार भी होता ताकू भी बुझुते से बहुत बहुत अंतर धन्यवाद दौर ओडिया समाज को बर्तमान मुझे बहुत सुस्थ भी अच्छी तापर भी से फोन कर पचारि बुझीते किमती अच्छा कौन कर भलर अच्छे आज्ञा मो मम्मी ऑर्थोपेडिक इश्यू था अंटारे टी पेन होता एंड दैट पेन वाज मैं अनबियरेबल होता तो कोविड टाइम रे अपन जानते हैं नॉन कोविड केयर जेहतु बहुत अफेक्टेड था तो आम कड़े जा भी पार्थ लॉकडाउन था हॉस्पिटल जावाक भी डर लगता इन फियर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ कोविड तो आम जेहतु ये गोटे फैसिलिटी थी तो मुझे कंटाक्ट कली जो हेल्पलाइन नंबर अच्छी एंड से मत से जे जो कोऑर्डिनेटर अच्छा समृता दीदी मो सीनियर सी मत कोऑर्डिनेट कले जन डॉक्टर का नंबर दे डॉक्टर संग्राम केसरी साहू से डॉक्टर बहुत बढ़िया से बहुत नाइस जेंटलमैन से एक्जाक्टली सेमती ट्रीटमेंट कले जमी आम मानने ऑफलाइन मोड में ट्रीटमेंट हुए मैंने वर्चुअल प्लेटफॉर्म भाई लगलानी से वीडियो कॉल कले आड़ मम्मी का संगे कथा डिटेल्स बुझिले मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कले प्लस पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी दे इनकेस कि असुविधा है तो मत आप कांटेक्ट करेंगे फोन मध्यम प्रिस्क्राइब कले व्हाट्सएप लिखिक भी डिटेल्स दे तेणु जेहेतु ये गोटे कोरोना काल में एमती गोटे मैंने गोटे बहुत अनुभव अभिनव प्रयास थिला दिल्ली ओडिया समाज पक्षर तेणु मुझे साधुवाद जाना चाहिए एबे बहुत भल अच्छा से मेडिसिन खाइला से बहुत मानने बेटर फिल कर मेडिसिनटा बहुत भल कम कर मो स्वामी जो दु वर्ष लॉकडाउन होवर से 2008 कैंसर तरह बोन कैंसरटा से भल हो जाते से गोटे आमको भी कहीं भी जन ना ये जिनसटा आउ थे फेरे फेरे बोली आम भी जान नु से ये जो लॉकडाउन होवर काम फाम बंद हो गला बंद हबार आउ सी कामधंदा करें ना खाई
ଖାଇବାଟା କମିଗଲା, ଖାଇବା ଇଏ ରୋଗର ଖାଇବା କମିଲେ ତ ଜିନିଷଟା ମାଡ଼ି ଆସେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା କମିଗଲା, ଖାଇବା କମିଗଲାରୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଲାକୁ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେ, ୱିକ୍ ହେଇଗଲେ, ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, ଛଅ ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ, ସେଠୁ ସେଠି ଦୁଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲୁ, ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଫେର୍ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଫେର୍ ମାସେ ପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଶୁଖିଗଲା, ଫେର୍ ଦୁଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ଦେଲୁ। ଏବେ କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସିତ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମର କଟକର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସେଇଠି ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଠି ନେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଫେରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଫେରିଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆସିକରି 5-6 ମାସ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବେଡ଼ ରେଷ୍ଟଟେ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହଉ ନାହିଁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆମ ସହିତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନହେଲେ ଦିନ 12 ଗୋଟେ ବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହେଲି, ତାପରେ ନେଇ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିରି ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ 17 ଜୁଲାଇରେ ଫିଭର ଆସିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମାମା ମୋର ସେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ସମାଜର, ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯିଏ କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିଲି, ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଠିକ୍ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଡାଟା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେଖାଇଥାଉ, କିଛି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଖାସ କରି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାସ କରି ମ୍ୟାପ୍ରେ 3 କଲର୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍, ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଏବଂ ଗୋଟେ ରହିଛି ରେଡ୍ କଲର୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ଟି ରହିଛି, ଇଏ ରେଡ୍ କଲର୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ଏବଂ କଟକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯେ 3,447 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଏତିକି ରହିଛି। ଏବଂ କଟକ ୟେଲୋରେ ରହିଛି, କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି 1182। ଏହା ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାଇଚାର୍ଟ ରହିଛି, ପାଇଚାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ମାର୍କ ରହିଛି, ବ୍ଲୁ ମାର୍କ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 19-40, ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖାସ କରି ଯୁବକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, 5,07,736 ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି 41-60 ଏବଂ 41-60 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,13,809 ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ୟେଲୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେଲୋ ମାର୍କ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି ଯେ 60 ବର୍ଷ, ଏଭବ୍ 60, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା, ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 96,278। ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଖାସ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 83,874 ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଡାଟା। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ପୁରା 5 ଯେଉଁ ଟପ୍ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଠାରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି, ତାପରେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ, ଏବଂ ପୁରା 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ଲହର ଆସୁଛି, ଥାର୍ଡ ଲହରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଗର୍ଭବତୀ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ଏ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅସ୍ମିତା ଦେବତା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବରଟି କହି ରଖୁଛି, 8763-274-894 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡକ୍ଟର ଅସ୍ମିତା ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଲହର ଖାସ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କେମିତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ?
डॉक्टर जानिबा पई चाहबो जे ऑडिबल होउनी वर्तमान आपनकर ऑडियो को टिके अनम्यूट करंतु ते खूब शीघ्र आम सहित मैडम जोड़ी हेबे तांके सहित आलोचना करबा जे खास करी शिशु मानंको केमती ए क्षेत्र रे समानको पूर्वर केमती प्रस्तुति रखा शिशु मानंको केमती सुरक्षित रखा ए दिगरे आलोचना करबा या सहित गर्भवती महिलांको क्षेत्र रे मध्य सेमाने केमती सुरक्षित रहबे कारण नवजात शिशु खास करी जदि हॉस्पिटल रे जन्म होउछंती समानको संक्रमणर चांसेस अधिक रहिता से दिगरे केमती समानको पई पदक्षेप निया जिवो एवं सेमाने सुस्थ रहबे ए बाबतरे मध्य समानको तांको सहित मध्य आलोचना करबा किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि जेहेतु सबु अभिभावक माने वर्तमान चिंतारे थबे थाल लहर आसुछि आ खास करी शिशु मानंको क्षेत्र रे प्रतिटी को आम टे संवेदनशील हिसाब से नौचे आ दिगरे जदि देखा कोरोना जितेबाला काया मेलाई शिशु मानक थाल लहर अधिक प्रभावित कर समस्त मनरे चिंता घारी अभिभावक मैंने वर्तमान खास करी चिंताग्रस्त अच्छा जे पिला केमती सुरक्षित रेबे आरोनार जी आम देखिबा जे भाइरस कथा कहिबा खास करी भाइरस केतेबेले तार रूप बदलाउछि एवं केतेबेले केउ रूप नउछि एवं केउ म्युटांट रे परिवर्तन होउछि इये मध्य समस्तको पई चिंता बढाउछि तबे थाल लोड रे कोन स्थिति रहइबो ये बाबत रे आलोचना करबा डॉक्टर को सहित कथा बा अस्मिता देवता हम सहित जुड़ी होइछन्ति दिल्ली ओडिया समाज रो डॉक्टर अछन्ति हम सहित किंतु वर्तमान समय छि गोटे छोट ब्रेक स्वतंत्र कार्यक्रम डाक्तर सुरक्षा कवच को स्वागत आम आलोचना करने जाऊे जेहेतु थाल लहर वर्तमान विशेषज्ञ मैंने कहते शिशु मान क्षेत्र में अधिक प्रभाव पक जेहेतु 18 वर्ष कम बयसर लोक मैंने वैक्सीन नहीं ना खास करी पिला क्षेत्र में यह अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिबो कारण पिलाने वैक्सीनेशन नहीं पारि नाहंती वर्तमान जदि थाल लहर आसुछि सेमानको अधिक प्रभावित करिबो किंतु या भितरे अनेक डॉक्टर मध्य ए परामर्श देइछंती जे पिलामानको बॉडी रे जेतेकि इम्युनिटी रहिताय ताहा कोठना कोठी माइल्ड सिम्टम्स देखा जिबार आशंका रहिछि आ जो मानकर क्रोनिक डिजीज रहिछि सेमानको क्षेत्र रे टिके अधिक एहा सीरीयस पारे किंतु पिलामानको क्षेत्र रे एते मध्य होइ न पारे किंतु कथा आसुची ए कथा को भाभी आमे हेगान करबा नाही किंतु पिलामानको केमती सुरक्षित रखा जिवो से पई आगर मध्य प्रस्तुति आरंभ करबा डॉक्टर आम सहित वर्तमान ओडिया दिल्ली समाज रो स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अस्मिता देवता आम सहित जोड़ी होती मैडम आपको आलोचना को स्वागत जनवि खास करी आपंठ जानवाई चाहिबू जेहेतु आप जे गायनोकोलोजिस्ट आउ शिशु मानक क्षेत्र में थाल लहर अधिक प्रभाव पकाइबे बोली वर्तमान विशेषज्ञ मैंने कहते ये क्षेत्र में जड़े गर्भवती महिला निजर एवं निज शिशुर केमती जत्न ने गुड आफ्टरनून मुझे आर्गस न्यूज को धन्यवाद देवा चाहिए मत सुजोग देवाई प्रथम दिटा लहर आम बहुत साहस बहुत भल कोऑपरेट करी सब प्रिवेंशन फॉलो करी मैडम थर्ड लहर जो आशंका अच्छी जहाँ रिसर्च स्टडी रु जना पड़ी छुआ मान पेडियाट्रिक एज ग्रुप काफी विपज्जनक हो पारे तो आमको एज एडल्ट सतर्कता आमको अवलंबन करने को पड़ो जमी आगर कहुई सोशल डिस्टेंसिंग रखा मास्क पिंधा को भी पब्लिक स्पेस को जिते जिते संभव एवॉइड करवाटा आमको कंटिन्यू करने को पड़ो आउ गर्भवती महिला एमें वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सारी तो सब गर्भवती महिला जदि वैक्सीन नहीं जी तेल काफी जथेष्ट परिमाण रे हमरो प्रोटेक्शन हि जीवो सो दैट छोटो पिलांग को हमें सेइठु भी प्रोटेक्ट करि परिबा निश्चित भाव रे मैडम किंतु कथा आसु छि जेतबेले जन्म समय रे हॉस्पिटलाइज करा जैथिबे बा महिला हॉस्पिटलाइज हेथिबे एवं से क्षेत्र रे शिशुटिए जन्म नेउछि हॉस्पिटल रे अधिक चांसेस थाए संक्रमित हेबार से क्षेत्र रे केमति सुरक्षित रहबे
से क्षेत्र रे हॉस्पिटल रे सेति पई बहुत बहुत गुडे हॉस्पिटल रे हमें बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करचू हॉस्पिटल रे रोगी सहित अटेंडेंट मिनिमम रखिवा पई विजिटिंग आवर्स को रेस्ट्रिक्ट करिवा पई समस्त नर्सिंग स्टाफ और समस्त डॉक्टर समस्त वैक्सीनेटेड अछंती सो तांकटु तांक प्रति रिस्क रो चांस कम रहइबो बोली आउ विजिटिंग आवर्स सब जिंस जदि हमें कोऑपरेट करिवा जदि रोगी सहित हमर एक्सपोजर कम रहिला ता सहित हमर देखा हबार चांसेस कम रहइबो ताले हम तार रेस्ट कम करि परिबा निश्चित भाबरे हमको भी सेथि कोऑपरेट करिया को पड़िबो निश्चित भाबरे मैडम जानिबा पई चाहिबो जे खास करी पिला मानंको कथा जदि देखिबा कोन एमती जो कथा कुआ जाउची जदि खास करी कोरोना से मानंको बेसी अफेक्टेड करिथाय जो मानंकर इम्युनिटी पावर टिके कम थाय आउ पिला मानंको क्षेत्र रे कुआ जाइछि जे से मानंकर इम्युनिटी पावर अधिक किंतु जदि कोनोसी पिला रे इम्युनिटी पावर कम थाय ताकु कोन एमती खाद्य कथा कोंतु किबा कोन एमती प्रिकॉशन नेले तार इम्युनिटी बूस्ट होबो बहुत बहुत भलो प्रश्न पेडियाट्रिक एज ग्रुप रे पिला मानंकर बहुत हीलिंग पावर बहुत बेसी बिकॉज़ तांकर डेवलपमेंटल प्रोसेस सेमती तांकर आमठू तांकर रिवाइवल आउ माने रिपेयर क्षमता जथेष्ट भाबरे बेसी बट जदि को कारण सत्वे गोटे पिलार इम्युनिटी कम अछि तार रोग प्रतिरोधक शक्ति कम अछि ताहेले हमको सेही कारणटा देखैकरी डिसाइड करियो इवालुएट करियो को पड़िबो तार ट्रीटमेंट हबो ता सहित ताकु पौष्टिक आहार बहुत दरकार कैना जदि पोषण कम अछि पिलार ताहेले तार रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम हेबार आशंका थाए तो को भी प्रकार इन्फेक्शन सेथिरे कमटा बेसी हे जिवार सिम्पटम्स बेसी सिवियर हेबार रोग बेसी सिवियर हेबार डर रहिता तो सेही क्षेत्र रे हमकु छुआ मानकर तांकर आवश्यकता अनुसार तांकु पौष्टिक पोषण देबार बहुत जरूरी आउ हाइड्रेशन जेमती तार लिक्विड इनटेक बहुत भलो रहिबा कथा सो दैट पाई एनी चांस जदि से छुआ से पिला प्रति रोगर एक्सपोजर रहिला ताहेले तार बॉडीर रोग प्रतिरोधक शक्ति सेथिरे काफी बेसी भलो हि पारे निश्चित भाबरे से भूतार सहित भलो फाइट कर परिबो निश्चित भाबरे मैडम जानिबा पई चाहिबो खास करी जेमते आपण कहउतिले जे खाद्य पानीय कथा पुष्टिकर खाद्य दबाक सहित या सहित अनेक समय देखा जाय जो माने छोटो पिला माने एक्सप्रेस करि पारंतिनि कोन फील करूचोती एटलीस्ट सेमानको बॉडी रे कोन चेंजेस आसुची पेटो काटुची किंबा निश्वास प्रश्वास ने बारे किछ कष्ट होउची एमते सेमाने किछ एक्सप्रेस करि पारंतिनि छोटो पिला माने जो माने थांती सेमानको क्षेत्र रे पेरेंट्स माने जो माने रहिचोती केमते सेटाकु जानिबे जे माने कोन गोटे पिला रो माने किछ ता बॉडी रे किछ गोटे घटुचि बोली पेरेंट्स मानको सेंसिटाइज करिवा दरकार कि पेरेंट्स मानको सेंसिटाइज हेबा दरकार को साइन सिम्पटम्स को वाच करिवा अछि डॉक्टर मानक सहित कंसल्ट करिकरी फीवर थरे थरे छुआ मानकर फीवर भी जणा पड़ेनी बिकॉज तांकर मेटाबॉलिक रेट बहुत बेसी तो एक्टिव थांती खाउचंती सब करूचंती खेलूचंती तो मां बापा भी जानी परंती निजे छुआ को जर माने देह खराब अछि बट जदि नॉर्मल तार एक्टिविटी रो छुआ स्लो अछि और भूको कम अछि कि टेंपरेचर टिके माने देहटा उसुम लागुछि ए सब जिंस को हमकु ध्यान देबा को पड़िबो कि छुआ त माने सम टाइम्स पिला माने कहि परंतिनि तांकु सिम्पटम कोन होउछि आउ कोरोना रो सिम्पटम भी बहुत वेल डिफाइंड नहि है चार पांच दिन इवन इनक्यूबेशन पीरियड रे बॉडी रे रोग थाई कि भी सिम्पटम किछि न आसी पारे तो से टाइम रे छुआ रो जदि भूको कम अछि स्मेल नहीं किंबा टिके मांदा अछि शरीर स्लो अछि तारो एनर्जी लेवल टिके कम अछि ताहेले मध्ये हमकु सेटा ध्यान रखिया को पड़िबो मां बापा पेरेंट्स हिसाब रे से माने ताकु सिम्पटम माने कि डॉक्टर को पाके परामर्श पई शीघ्र जीवा कथा निश्चित भाबरे पिलार प्रतिटि एज यूजुअल बिहेवियर उपरे हमको आइडेंटिफाई करबा को पड़िबो जे पिलार कोन होउछि निश्चित भाबरे मैडम जानबा पई चाहिबो जो कथा कहतिले पिला मानको क्षेत्र रे पौष्टिकर खाद्य कथा जदि से हिसाब रे देखिबा गर्भवती महिला जदि मां सुस्थ रहे कहा जाय जदि गोटे गर्भवती महिला तार पिला मध्ये सुस्थ रहिबो से क्षेत्र रे से मानको को कोन एडवाइस देबा पई चाहिबे खास करी खाद्य पानी उपरे वेरी करेक्ट गोटे सुस्थ मार गोटे सुस्थ छुआ हेबाटा सब बेले आमे एक्सपेक्ट करू सो छुआ को माठु ही न्यूट्रिशन जाए गर्भवती महिला जेमती पोषण रहिबो छुआ को पोषण सेठु ही जीवो तो गर्भवती महिला नॉर्मल जो कैलोरी इंटेक थाए नॉर्मल महिला गर्भवती महिला कैलोरी इंटेक ताठु ऑलमोस्ट
250 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा आउ सेटा प्रोटीन कहना छुआर डेवलपमेंट पाई छुआर कंस्ट्रक्शन पाई तार मसल डेवलपमेंट सब जिन पाई तार मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग थाए सेती पाई तांको कैलोरी बेसी दरकार तो प्रोटीन इंटेक गर्भवती महिला बेसी हेबा कथा बाकी लिक्विड इंटेक भल हेबा कथा जदि आउ किछि हेल्थ प्रॉब्लम नाही डायबिटिक नहंती ब्लड प्रेशर ठीक अछि सब ठीक अछि ताले लुण चीनी ए सबुत्र रेस्ट्रिक्शन जदि नाही ताले सब प्रकार जिंस खाइ परिबे बट पोषण सफिशिएंट हेबा कथा जेमति कि ग्रीन वेजिटेबल्स आउ फ्रूट्स आउ खीर पनीर दही एटा तांकर खाद्य रे निश्चय निश्चय भाव रे ऐड हेबा कथा डाली डाली भी गोटे बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन तो सेटा प्रति फूड रे प्रति मील रे डाली निहाति रहबा कथा दही बहुत रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम तो सेटा निश्चय ऐड हबा कथा सो एई साधारण जिंस हमर नॉर्मल खाइबा पैटर्न रे जदि हमे गर्भवती महिला टिके निज पोषण प्रति ध्यान देबे ताहेले निश्चय भाव रे गुटे सुस्थ शिशु हेई पारि निश्चित भाव में मैडम आउ गोटे कथा जानवाई चाहिए खास करी पिला माने जो छोटो थांती सेमानको थंडा काश ये सब नॉर्मल डिजीज हिसाब से सेमानको बॉडी रे देखा जाए आउ गोटे गोटे पिला थांती जो मानको अधिक थंडा रे सेमाने आक्रांत होंती किंबा सेमानको जो आस्थमा कथा कहा जाउची सेथिरे मध्य किछि पिला मध्य अफेक्टेड थांती वर्तमान से अभिभावक मानको टिके चिंता अधिक थिबो कारण कोरोना जेहेतु थंडा भली गोटे किछि डिजीज जे थंडा ज्वर काश ये सब आसे सेमाने टिके अधिक भयभीत थिबे सेमानको पई कोन परामर्श देबा पई चाहिबे भयभीत हबार किछि नाही कोरोना रो सिम्टम भी फ्लू जनित थंडा काश भलिया सिम्टम आसे तो जदि फ्लू सिम्टम्स आसिला जेमति कि फीवर कि देह दरज हबार बॉडी एक जाको हमें कहउचु टायर्डनेस रहिबो एनर्जी लेवल टिके कमी जिवो सेटा नॉर्मल फ्लू रे भी हुए सेटा कोरोना रे भी हे पारे जहा कर छोटो पिला मानकर बहुत थर बेसी छोटो थिला बेले तांकर इम्युनिटी तांकर रेस्पिरेटरी इम्युनिटी एते स्ट्रांग नथाय सेति पय आस्थमा किंबा बारंबार थंडा काश हेबार बहुत बहुत छुआंको आमे देखिछु सेमती हेबार बट धीरे धीरे तांकर इम्युनिटी मैच्योर हेला परे बहुत कम जन रही जानते जो माने सेथिरे आक्रांत होंती तो सेथिरे भयभीत हेबार नाही प्रिकॉशन अमर समान समस्तंको पई समान बट इम्युनिटी को टिके बूस्ट अप करबा पई दे पिलांको विटामिन सी जनित खाद्य टिके बेसी दवा कथा सो देट तांकर एपिथेलियल इम्युनिटी बेटर हबो जेमति कि विटामिन सी रे लेंबू और सिट्रस काइंड ऑफ फ्रूट मौसमी ऑरेंज लेंबू ए सब जिंस होला विटामिन सी रहित मेडिसिन फॉर्म रे भी आसे टैबलेट भी आमे दो इम्युनिटी को इंप्रूव करबा पई बट से सब जिंस रे एपिथेलियल इम्युनिटी को टिके बेटर होई पारे तो तांकर अभिभावक मानक मोर परामर्श से माने पेडियाट्रिशियन सहित कंसल्ट करिकि छुआंकर इम्युनिटी को बूस्ट अप करबा पई ता सहित जो जिंस रे तांकर एलर्जी होउची किंबा तांकर रेस्पिरेटरी इशू आरंभ होउची कि प्रॉब्लम आरंभ होउची निश्वास नेबारे असुविधा होउची जेंति कि डस्ट हैला भिड़ जागा हैला कि को पोलेन जनित एलर्जन हैला से सब को अवॉइड करबाटा तार आउ गुटे समाधान तो एलर्जन मान को अवॉइड करिवार अछि इम्युनिटी बढ़ेबार अछि आउ विशेष असुविधा हैले शिशु रोग विशेषज्ञ को देखिकरी तार चिकित्सा करिवार अछि दिस ए तीनटा जिंस हम चाहिबि माता पिता हिसाब रे अभिभावक हिसाब रे से माने निश्चय फॉलो कर निश्चित भाव में मैडम जमती कि आपण कहुतिले जे खास करी आमे जानिचे जे जतले कोरोना रे जणे अफेक्टेड होउची से जदि तार किछि एकाधिक रोग रहिछि ताहाले ता पई टिके अधिक डेंजरस थाए आ सेभळी क्षेत्र रे आमे जतबेले देखिछु गर्भवती महिला मानकर खास करी ब्लड प्रेशर कथा कोंतु सुगर लेवल ये सब टिके अधिक देखा जाए आ जदि कोनोसी महिला डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये सब तांको बॉडी रे अछि आ ये कोरोना स्टेज पई बा ये क्षेत्र रे सेमानको पई केते अधिक सुरक्षित रहबार आवश्यकता रहिछि आ सेमानको केमति कोन परामर्श देबा पई चाहिबे कोरोना फास्ट दीटा लहर रु हमको इतकी तो सिखे दी जे सुस्थ शरीर रो इम्पोर्टेंस केते बेसी आमो पई अलगा किसी भी प्रकार मॉर्बिडिटी जेमती कि डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज ओबेसिटी ए सब रोग सहित कोरोना हेले तार सिवियरिटी बहुत बेसी हुए आईसीयू रिक्वायरमेंट बेसी आउ इवन डेथ रेट भी बेसी बोली जणा पड़ी छी एबे जाकर इंसिडेंस और स्टैटिस्टिक्स को जदि हमें देखिबा तो डायबिटीज पीपल लोकांकर मोर परामर्श से माने निजर शुगर प्रति बहुत ध्यान देबे शुगर नॉर्मल रहिबा कथा डाइट रु मेडिसिन रु दरकार पड़ले इंसुलिन भी नेबाकू पड़ू किंतु
ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସୁଗର ନର୍ମାଲ ରହିବା କଥା। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜନିତ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବେ, ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ, ମେଡିଟେସନ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଶରୀରକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓବେସିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ କୋଭିଡ ପାଇଁ ବି, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହୁଏ କୋଭିଡରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଓବେସିଟି ଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅର୍ ଓଜନ ବେଶୀ, ତ ଓବେସିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ଓବିସ୍ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ପରାମର୍ଶ, ସେମାନେ ନିଜର ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ନର୍ମାଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଡେଫିନେଟଲି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବା କଥା। ତ ଏଇସବୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରିକସନ ନାହିଁ। କୋମର୍ବିଡିଟିରେ ସିଭିଅରିଟି ବେଶୀ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୋମର୍ବିଡିଟି ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହୁଏ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆଟେନସନ ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ପ୍ରିକସନରେ ସମାନ ସେଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା, କୋଉ ବି ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଏଭଏଡ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ, କଥା ଆସୁଛି ଯେ କୋଭିଡ 19ର ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବା ସେ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ସବୁକୁ ଫଲୋ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଖାସ କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେଉଛେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ କରୋନାର ଥାର୍ଡ ଲହର ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅସ୍ମିତା ଦେବତା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇ ଖୁସି ଥିବେ। ସମସ୍ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।